हाय, कैसे हो सारे? तो आज की जो वीडियो है उसमें हम एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचा बच गया था जॉन डुई का, उन दोनों पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। जॉन डुई ने आर्टिकल लिखा था माय पैडागॉजी क्रीड, आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में बहुत सारे आते हैं। प्लस अगर आप इस आर्टिकल को एज एन एग्जाम्पल लिखोगे अपने आंसर शीट में तो जो चेकर है उसको पता लगता है कि हाँ आपने जो आर्टिकल्स हैं वो रीड करे हुए हैं। आज हम बात करेंगे जॉन डुई के बारे में, उन्होंने जो इसमें आर्टिकल में बातें बताई थी वो, प्लस उनके क्रिटिसिज्म्स की। तो स्टार्ट करते हैं। जॉन डुई के हिसाब से जो एजुकेशन है वो लाइफ थी। इसका मतलब कि जब से आप बच्चे को फीड कराना शुरू करते हो, जब बच्चा रोना शुरू कर देता है वहीं से उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन हमेशा पेन और पेंसिल पकड़ के ही होता है। जब बच्चा रोता है और उसको खाना मिलता है तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि जब वो रोना शुरू करेगा तो उसकी जो नीड्स हैं, केयर, जो ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। इसलिए जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो जब भी वो किसी मार्केट में जाता है और अगर आप उसको खिलौना नहीं देते हो तो वो रोना शुरू कर देता है या फिर ज़मीन पे लेट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मोरालिटी है वो घर से शुरू होती है। कैसे? जब भी आप बच्चों को किसी के घर लेके जाते हो या कोई हमारे घर आता है मिलने के लिए तो आप हमेशा बच्चों को बोलते हो कि बच्चों नमस्ते करो या फिर पैर छुओ। ये हमारी अनकॉन्शियस एजुकेशन होती है जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं और इसी को हम एफर्टलेस लर्निंग कहते हैं। जो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, मतलब जब हम उनको जब वो छोटे होते हैं तो हम उनको बताना शुरू करते हैं कि कब आपको सॉरी बोलना है, कब आपको थैंक यू बोलना है, कब आपको मे आई कम इन बोलना है। ये सारी चीज़ें एफर्टलेस लर्निंग में आती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग भी बच्चा बचपन से ही यूज़ करना शुरू कर देता है। अच्छे लेवल तक नहीं बट सिंपल लेवल में वो शुरू कर देता है। बच्चे के पास जब भी कोई भी सिचुएशन आती है तो वो उसमें रीजनिंग लगाने की कोशिश करता है। बेशक बच्चों के लिए वो लॉजिकल है या मे बी लॉजिकल हो, बट वो हमेशा रीजनिंग देने की कोशिश करता है। बच्चा सिचुएशन को एनालाइज करता है और अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उन सिचुएशंस पे रिएक्ट करता है। और ऐसे ही जब हम इस प्रोसेस को हर रोज़ बच्चों के साथ में रिपीट करते हैं तो दिस इज़ हाउ दे स्टार्ट टू लर्न। जैसे जब स्टार्टिंग में वो बैबलिंग करते हैं तो धीरे धीरे वो च च च च चाचा बोलना शुरू करते हैं, मम्मा 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 बोलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनके जो साउंड्स हैं वो क्लियर होने लग जाते हैं और ऐसे बच्चे लैंग्वेज सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। इस टॉपिक पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ये रहा। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको फटाफट से देखिए और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो सिस्टम है वो चाइल्ड को सर्व करता है, जो टीचर है वो फैसिलिटेटर की तरह होती है। चाइल्ड के पास में बहुत ज़्यादा स्पेशियस जगह होती है, जो डेस्क हैं वो ढंग से अरेंज कर रखे होते हैं इन अ वे कि बच्चों को चोट ना लगे, प्लस बच्चों के पास में फ्री स्पेस हो मूव करने का और बच्चों के जो बैग्स हैं उन पे एक दूसरे के पैर ना लगे, बच्चे स्टोरी टेलिंग के लिए आराम से अपना स्पेस ले पाएँ, खेलने के लिए वहाँ पे स्पेस ले पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डुई ने जो टीचिंग मेथड्स बताए थे वो बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बता रखे, बट जो दो मेन पॉइंट्स थे वो थे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। दूसरे के एक्सपीरियंस से वो सिर्फ सीख ले सकता है छोटी सी जो वो कुछ टाइम बाद भूल जाएगा, पर अगर वो अपने एक्सपीरियंस से सीख लेगा तो वो उसको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। अगर बच्चा अपने आप करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, वो उसी चीज़ का एक्सपीरियंस गेन करेगा और फ्यूचर में वो उस चीज़ को ज़्यादा बेटर यूज़ कर पाएगा। अब बारी आती है प्रेगमेटिज्म इन एजुकेशन की, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। प्रेगमेटिज्म का बेसिक मतलब ये होता है कि हम कोई भी एक ऐसी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं जिसमें अगर हम कुछ भी करते हैं तो उस चीज़ का हमको प्रैक्टिकल यूज़ आना चाहिए, मतलब वो हम खुद करके देख। इसी में प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अप्रोच दी गई थी जिसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में 10 से 15 पॉइंट्स बताए थे। इसका मतलब यही होता है कि आपको बाहर जाकर अगर पत्तों के बारे में समझाना है तो आपको उनको लीव्स दिखाने चाहिए, रदर देन आप उसको बुक में दिखा रहे हो कि ये ऐसी लीव है, ये बड़ी लीव है, ये पतली लीव है। ऑल्सो जब आप उसको लीव्स दिखा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ एक लीव अपने हाथ में ले रखी है और बच्चों ने उन कुछ अगर 40 क्लास में बच्चे हैं तो पिछले बच्चों को दिख भी नहीं रहा है कि लीफ कैसी है, कौन से कलर की है और आपको लग रहा है कि आपने लीफ सबको दिखा दी है। मेक श्योर कि जब भी आप ऐसा कुछ करें तो बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि ज़्यादा पत्ते तो आप वैसे भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर एटलीस्ट 5-6 बच्चों का ग्रुप बन गया है तो 5-6 लीव्स आप उनको या तो तोड़कर और या फिर जो भी आपके आसपास आपका एनवायरनमेंट में ट्रीज या प्लांट्स लगे हुए हैं उनके पास आप उनको ले जाके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक करिकुलम बच्चों के आसपास में सेट कर रहे हैं तो कोशिश ये करो कि उसका एक सेंट्रल थीम हो जिसके आसपास आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो उसी के आसपास घूमें, ताकि बच्चे को एक बेसिक रूट मिल जाए जिसके आसपास उसको काम करना है।
अब पॉइंट आता है हमारा एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। इसका मतलब ये होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल पार्ट है हमारे वर्ल्ड का, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वही हमारे रियलिटी बनती है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे परसेप्शंस बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायोलॉजिकल अप्रोच। इसका मतलब ये कि जो मैन पावर है, ह्यूमन पावर है, उसी से जो इंसान है वो अपने एनवायरनमेंट को बेनिफिशियल बनाता है। इसके बाद आती हैं सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जो हर बच्चा है, हर इंडिविजुअल है, उसको बोलने का हक है और अपनी वॉइस को रेज करने का हक है। तो क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को एकदम चुप करा के आपने रखा हुआ है, और जब बच्चा बोलेगा तभी बच्चा एक्टिव लर्नर बनेगा और तभी उसकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेटर रहेगी। इसके बाद है कि जो स्कूल है वो एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह ही फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्कूल में ही बच्चों को कॉपरेशन की भावना सिखाएंगे तो बच्चों में वो चीज़ इंकलकेट होगी और बाहर भी बच्चा वही चीज़ दिखाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जॉन डुई के हिसाब से जो करिकुलम है उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो करिकुलम है उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए या इस तरीके से करिकुलम को अरेंज करा जाना चाहिए जिससे कि उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, और जब इंटरेस्ट वाली चीज़ें होंगी बच्चा इंटरेस्ट वाली चीज़ें होंगी तो उसमें बच्चा अपने थॉट्स को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, रादर देन जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ जो उसमें लिखा होता है हम उसी को समराइज कर रहे होते हैं या फिर हम उसको रोट लर्निंग कर रहे होते हैं। बट जब बच्चा खुद ही अपनी चीज़ अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो ज़्यादा टाइम के लिए बच्चे के दिमाग में रहेगा। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमेशा ये होती है कि कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए क्लासरूम में, क्योंकि अगर वन टू साइडेड कॉन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट होती है, वन साइडेड नहीं, वन साइडेड में सिर्फ टीचर बोल रही होती है, बोथ साइड्स जो बच्चे हैं और टीचर है दोनों आपस में एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी बच्चे की जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा बेटर और पावरफुल होती है। इसके लिए जॉन डुई ने चार प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि जो भी आप बना रहे हैं या कर रहे हैं उस चीज़ का यूज़ होना चाहिए, और उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है जो भी करिकुलम आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बच्चों के लिए वो एक्टिव होना चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी बच्चा करे उसमें आप कोशिश करिए कि बच्चे को एक्सपीरियंस रिच मिल रहा है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक उसको बच्चे को याद रहे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है आप जो भी पढ़ा रहे हो कोशिश करो कि लास्ट में आपके उसका आए, क्योंकि वो सारे के सारे टॉपिक्स एक साथ आपस में मिले हुए हों। इसके बाद पॉइंट है हमारा कि डी ने कहा था कि हमको एम्फेसिस अपने प्रेजेंट पे करना चाहिए, फ्यूचर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेजेंट पे जो हम काम करेंगे उसी चीज़ का इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जो बच्चे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं और वही चीज़ उनको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फेसाइज ईच इंडिविजुअल। हर बच्चे पे एम्फेसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे पर आपको फोकस करना आना चाहिए और वन टू वन कॉन्वर्जेशन मस्ट है। इसके बाद है पॉइंट एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकलिज्म। इसका मतलब है कि जब भी आप कुछ काम करवा रहे हो बच्चों से उसको कोशिश करो कि बच्चा वो करके देखे, क्योंकि अगर वो अपना करके देखेगा तो वो चीज़ उसको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ जॉन डुई। जॉन डुई के लिए पहला पॉइंट ये आता है नॉट एक्सेप्टिंग द एटर्निटी ऑफ ट्रूथ एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो होती है हमेशा चेंज होती रहती है, कहीं पे आप नमस्ते बोलोगे किसी को, कहीं पे आप पैरीपोना बोलोगे या वणक्कम बोलोगे, और जो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने डेमोक्रेटिक और मॉरल वैल्यूज़ को जोड़ा था। जो धर्म है वो लोगों को जोड़ता है बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो धर्म है अगर वो इक्वालिटी के रास्ते में बाधा बन रहा है तो उसको हमको हटाना चाहिए, और हमको सिर्फ उन वैल्यूज़ का रखना चाहिए जो मैनकाइंड के लिए यूज़फुल हैं। इस चीज़ के लिए जॉन डी का क्रिटिक ये था कि जो कुछ वैल्यूज़ थी वो इम्पॉर्टेंट भी थी, जैसे कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं रेदर देन रिलीजनल वैल्यूज़। रिलीजनल वैल्यूज़ का कभी कभी कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वो अपने वैल्यूज़ को अपर साइड पर रखते हैं और दूसरे की वैल्यूज़ को लोअर साइड पर रखते हैं, जबकि जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो हर जगह पे ही सेम स्टेटस पे होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि कल जो वीडियो है वो आएगी महात्मा गांधी पे और बेसिक एजुकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।